बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबियिल उम्मी व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। जी अन्नाउल अव्वल, पहली सारी ज़बानी याद हो गई अच्छे तरीके से। जी उसका टेस्ट ले लूँ पहले थोड़ा थोड़ा। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पढ़ा था मुकदमा, ठीक है। अच्छा, मुकदमे के अंदर अगर कोई आपसे सवाल करे, सईद भाई मुकदमे का खुलासा ज़बानी सुना दे, तो कैसे सुनाएंगे? नाहव में कुल 100 आबादी हैं, जिनमें से 91 और 7 सिमाई हैं और 2 मानवी हैं, और जो 91 हैं उनकी आगे 13 किस्में हैं। शाबाश, अभी थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर दोबारा कहें। इब्तदान आमिल की 2 किस्में हैं, आमिल लफ्जी और आमिल मानवी। जी आमिल लफ्जी के आगे 2 किस्में हैं, आमिल 81 और आमिल सिमाई। पहले सिमाई कहें फिर 81। आमिल सिमाई और आमिल 81। सिमाई की 91 किस्में हैं और सिमाई किस्में नहीं, सिमाई 91 आमिल हैं, सिमाई 91 आमिल हैं और 81 7 अवामिल हैं, और जो मानवी हैं वो 2 अवामिल हैं, और जो सिमाई की 91 किस्में वो 13 किस्मों पर तकसीम हैं। जी अब खुलासा आ गया समझ में। यानी अगर कोई ये कहे कि मुकदमे का खुलासा बयान करें, तो आप क्या कहेंगे? मुकदमे का खुलासा ये है कि आमिल की इब्तदान 2 किस्में हैं, नंबर 1 लफ्जी, नंबर 2 आमिल मानवी। आमिल लफ्जी की कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 सिमाई, नंबर 2 81। सिमाई कितने आमिल हैं? 91 आमिल हैं, और 81 7 आमिल हैं, ठीक है, आगे समझ। और मानवी 2 आमिल हैं। अब आगे जो ये तकसीम होती है, ये तकसीम जो है ये सिमाई की है। सिमाई अवामिल कितनी किस्मों पर तकसीम होंगे? 13 किस्मों पर। ये है मुकदमे का खुलासा। एक बार दोबारा दोहराएं, जी अब अगर कोई आपसे सवाल करे सकल लाहो सराहो, इसकी तरकीब करें क्या करेंगे? जबानी करें, किताब देखें, किताब बंद रखें सारे। सकल लाहो सराहो, इसकी तरकीब करें क्या करेंगे? जी आप करें तरकीब। लफ्ज़े अल्लाह इसका फ़ाइल, सरा मुज़ाफ़, हुज़्मिन मुज़ाफ़िला, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर मफ़ूले बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूले बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। जी तरकीब ठीक किया, गलत? एक गलती की, फिर दोबारा करें तरकीब। सकाफ़ेल लफ्ज़े अल्लाह इसका फ़ाइल, सरा मफ़ूले बिही मुज़ाफ़। पहले आपने सरा को मफ़ूले बिही नहीं कहा, सिर्फ मुज़ाफ़ कहा। अब अगर आप सिर्फ मुज़ाफ़ कहेंगे तो मुज़ाफ़ का इराब क्या होता है? आमिल के मुताबिक। जब आपने आमिल का नाम ही नहीं है, कैसे पता चलेगा मंसूब क्यों पढ़ रहे हैं? तो हर लफ्ज़ का ताल्लुक माँ कबल के साथ भी होता है और माँ बाद के साथ भी होता है। जब आप कहेंगे ना मफूल, माँ कबल से ताल्लुक का भी पता चलेगा और इसके एराब का भी पता चलेगा। सकल लाहू सराहू, अब इसका तर्जमा करें क्या करेंगे? अल्लाह ताला ठंडा करे उसकी कबर को। उसकी कबर को, हू जमीर का मर्जे कौन बनेगा? अब्दुल काहिर बिन अब्दुल रहमान जुर्जानी, ठीक है। अच्छा आगे इबारत है, फल लफ्जियत मिनहा अला ज़रबैने। क्या लफ्ज़ है? फल लफ्जियत मिनहा अला ज़रबैने, इसकी तरकीब करें क्या करेंगे? फा तफसीलिया या ताकीबिया, फा तफसीलिया या ताकीबिया, अल लफ्जियत मुब्तदा ज़ुलहाल मिन हर्फ जारा हा मजरूर, जार अपने मजरूर के साथ मिलकर मुतालिक हो गया साबितन के, साबितन इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतालिक के साथ मिलकर, शिबा जुमला इसमें होकर हाल, ज़ुलहाल अपने हाल के साथ मिलकर मुब्तदा, अला हर्फ जारा ज़रबैनी मजरूर, जार अपने मजरूर के साथ मिलकर मुतालिक हो गया साबितन के, साबितन इसमें फ़ाइल, ही ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुतालिक के साथ मिलकर, शिबा जुमला इसमें होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें खबरिया हो। जी अब इसका आप तर्जमा करें। लफ्जी इस हाल में के उन 100 में से 2 किस्मों पर हैं। लफ्जी अवामिल, लफ्जी अवामिल उन 100 में से, उन 100 में से 2 किस्म पर हैं। 2 किस्म पर है। मिनहा में जो हा ज़मीर है इसका मर्जे कौन बनेगा? मियत वामिल। जी आगे लफ्ज है बता तनब उस्समाइयातु। जी शाह जी इसकी तरकीब करें क्या करेंगे? इसका तर्जमा करें क्या करेंगे? तकसीम किया गया है, तकसीम किया गया, ये किसका तर्जमा किया आपने? तकसीम,
कौन करते हैं, हाँ जी ना भी करते हैं, तो फाइल इसका कौन बनेगा जी, ना भी बनेंगे। असमाइया क्या बनाया आपने, फाइल। अच्छा उधर कहते हैं नाभी भी बनेगी उधर समाइया को, यानी एक फिर के दो फाइल आ सकते हैं, तो फिर आपने तर्जमा गलत किया ना, आप दोबारा करें तर्जमा क्या करेंगे। अच्छा इसको एक और तरीके से पूछना चाहता हूं, ततनब सीगा कौन सा है, फेल बाब, शाबाश। देखिए ना कितनी फोश गलती की आपने शाहजी जी, आप बोले ततनब कौन सा सीगा है, फेल बाब, बाब इफ्तियाल, शाबाश। कमाल की बात है भाई आप लोगों की है, बाब इफ्तियाल की क्या अलामत पड़ी है, बाब तफाउल। अब ये ततनबाउ लाजमी है या मुतादी है, लाजमी। इसका तर्जमा लाजमी वाला करेंगे मुतादी वाला क्या करेंगे, माना इसका वो किसका माना किया आपने, सिमाई तो आगे इस फाइल जब जहर मौजूद है तो फिर वो कहां से आएगा, तकसीम होते हैं सिमाई, सिमाई तकसीम होते हैं, जब फाइल आगे जहर मौजूद है तो फिर वो कहां से आएगा, वो तो तब होता है जब फाइल होगा या जमीन होती है। इसका मतलब है तर्जमा आपने नहीं दोहराया आज, सही सही बता दें रिजवान भाई आपने तर्जमा दोहराया पीछे से आज मुकम्मल, कल किस टाइम, नहीं इधर की बात नहीं है, कल किस टाइम दोहराया आपने, शाम मगरब बाद, किसके साथ बैठकर, हाँ जी शकील कौन है भाई, दोहराया इसने तर्जमा मुकम्मल तो फिर भी नहीं आता। शाह जी आपने तर्जमा दोहराया है, नहीं आपने नहीं दोहराया, रिजवान नदीम भाई आपने, आपने भी नहीं दोहराया, शाबाश। यहां क्या करने आए हो तुम, कल इसीलिए गए थे ना पीछे से सबक कमजोर था इसीलिए आगे भी नहीं पढ़ा था ना, कल रोटी आपने दो टाइम खाई है और सबक एक टाइम भी नहीं पढ़ा, फिर भी नहीं शर्म आई आपको जी। आगे लफ्स है बिही दाउन जी, साथ भाई बिही दाउन की तरकीब करें क्या करेंगे, जी अब इसका तर्जमा करें क्या करेंगे, उसके साथ बीमारी है, उसके साथ बीमारी है जी। आगे लफ्स है कतब तो बिल कलम है जी, शाह जी इसकी तरकीब करें पहले, कलम है नहीं अल कलम है, या अगर कलम में पढ़े तो फिर तनवीन आनी चाहिए, तनवीन से माने कितनी चीजें हैं, कौन कौन सी, अब अकाला में पढ़े तो जब अलिफ लाम नहीं है तो फिर आप तनवीन क्यों नहीं पढ़ते, अल कलम है कतब तो बिल कलम बा जा रहा अल कलम है मजरूर जी, इसका तर्जमा करें क्या करेंगे, हाँ जी आगे लफ्स है इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम इत्तिखाज़े कुमल अजला जी, इसकी तरकीब करें, आप कहते इन्ना हरूफ मुशब्बा फिल हरूफ जमा का सीगा है और इन्ना एक है या ज्यादा, एक के लिए हर्फ आएगा कि हरूफ आएगा, ख्याल किया करें अरबी के अंदर भी उर्दू के अंदर भी ग्रामर का सियाक व सबाक का लफ्सों का ख्याल करना चाहिए, गलती नहीं आनी चाहिए ठीक है जी। कौम दरमियान से खा देंगे आप, हाफिज है या नहीं है, हैं तो फिर भी आपको नहीं पता कौन सा लफ्ज आता है यहां, मुजाफिल फाइल बोल बोल जल्दी कह रहे हैं,
ترجمہ کریں اس کا، ترجمہ ٹھیک نہیں کیا جی. کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان. مند باغ کتنے مانوں کے لیے آتا ہے؟ دس. ان میں سے آٹھواں معنی کون سا ہے؟ جی استعطاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نرمی کرنا یا نرمی طلب کرنا، طلب کرنا. اس کی مثال کون سی آئی ہے؟ اس کی ترکیب کریں. جملہ پہلے کیا بتایا آپ نے؟ ہاں جی سوچ کے بولا کریں. اس کا ترجمہ کریں کیا کریں گے؟ اچھا آگے لفظ ہے بل لام و لل اختصاص، جی اس کی ترکیب کریں. جی ترجمہ کریں. لام کتنے معنوں کے لیے آیا ہے؟ نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، ہاں جی نمبر تین، آپ بولیں آگے والے بولیں. ہاں آگے کتنے معنی ہو گئے؟ تین. نمبر چار، اونچی بولیں ہاں جی. آگے نمبر پانچ، یہ محاکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انجام. کیا لفظ ہوا؟ انجام ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے، تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو انجام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محاکمت کون سا سیگا ہے؟ ہاں جی ہاں پھر پہلے نہیں شرم آئی آپ کو؟ جی محاکمت کی مثال کون سی آئی ہے مولانا؟ آگے والے اس کی ترکیب کریں کیا کریں گے؟ آپ نے کہا ہے لازمہ فعل با فعل. لازمہ سیگا دو میں سے ہے، بارہ میں سے ہے؟ ہاں جی دو میں سے ہے. سیگا دو فعل با فعل ہوتا ہے یا اس کا فعل نکالنا پڑتا ہے؟ جی شاہ جی آپ کو آ جائے گی ترکیب. جی ناظر بابا لام کون سا ہے؟ لشکاوت ہے. آپ نے اشرہ کو مضاف بنایا، پہلے یہ بتائیں کہ اشرہ مضاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، مفعول بھی مضاف کا ہے نا. آپ نے جس کلمے پر الف لام آ جائے وہ مضاف ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے کیوں مضاف کہا؟ اگر مضاف کا ہے لشکاوت ہے، اگر لام حرف ہے ہر مضاف ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ کریں ترکیب. جب اس کا ترجمہ کریں کیا کریں گے؟ شر کے لیے نہیں، شر کے بعد لازم ہے. اخذتو من الدراہم، اس کی ترکیب کریں کیا کریں گے؟ دراہم نہیں آئے گا، پھر میں نے کہا لفظ پورو الدراہم. اب اس کا ترجمہ کریں کیا کریں گے؟ اچھا آگے لفظ ہے یغفر لکم من ذنوبکم، کم کہاں ہے؟ حافظ ہیں آپ؟ ایت پڑھیں دوبارہ کیا آتی ہے؟ لام چھوڑ جائیں گے آپ؟
जी आगे लफ्ज है सुम्मा अतिम सियाम इला लैल फिर लैल बोलते हैं इसका तर्जमा करें क्या करेंगे जी आगे इबारत है वह या मुख्तसतुन बिल इस्म जाहिरे जी इसकी तरकीब करें बिल इस्म जाहिरे ला यू कालो हत्ता हो इसकी तरकीब करें इसका तर्जमा करें जी कासिम भाई आपने भी कोई याद नहीं अभी ना तर्जमा भी अभी कमजोर है चले जी आगे कासिम जरा करके आयो जी पहले अन्ना उस्सानी यहां से लेकर जहां सबक लई तबाबा यऊदो तक ये सबक पढ़ा हुआ है ना इसकी इबारत जबानी सुनाए पहले जल्दी कर अजय वर्तमान याद का अन्ना जैदुन आसादन इसकी तरकीब करें क्या करेंगे इन्ना जैदन का इमुन तरकीब करें क्या करेंगे बल फरको बैन तमन्नी वत्तर जी इसकी तरकीब करें क्या करेंगे लैत शबाबा यऊदो इसकी तरकीब करें क्या करेंगे जी आज कहां से इबारत पढ़नी शुरू करनी है किस लड़के से कौन है जो अच्छे तरीके से मुताला करके आया हो जी जी खान साहब आपसे आगाज करते हैं इबारत पढ़े शाबाश इसने इबारत में गलतियां की हैं कितनियां नहीं इसका मतलब आपने तवज्जो से इबारत नहीं सुनी है जो साथी इबारत पढ़े आप तवज्जो से सुना करें ताकि आपको पता चले इसने कहां का क्या क्या गलती की है जी खान साहब अब दोबारा इबारत पढ़े शाबाश तरजी की कौन सी हालत है क्यों इसकी खबर कौन बनेगा मखसूस ये मुब्तदा खबर किस कैदे से बनेंगे यहां जुमला कौन है मखसूसन ये जुमला है जुमले में कितने जुज होते हैं
कौन कौन से मुसनद, यहां बताएं कौन कौन से मुसनद मुसनद में कहां मौजूद है, देख लो ना, कल इसलिए वापस गए थे कि आपका इतना कमजोर था, फिर वही हालत है। जी मौलाना आप बोले, शाबा, एक मार्फा दे और एक ये जुमला इस्मिया का कैद नंबर कौन सा बनेगा। जी खान साहब, अतरजी की हालत कौन सी बताई आपने, रफा क्यों नहीं पढ़ते आप, तो इसका राब क्या आएगा, तकदीर है। अब आगे चलें, पहले आपने क्या पढ़ा था इबारत के अंदर, याद है जब पहले इबारत पढ़ी मखसूस के आखिर में क्या राब पढ़ा था आपने, कौन सा राब पढ़ा था, जर पड़ी थी आपने, क्यों जर पड़ी थी आपने, मखसूस उनकी कौन सी हालत है, रफी हालत है, क्यों। अब आगे चले, अलमुम के नाते की कौन सी हालत है, क्यों, बाजारा, ये जार मुझ किसके मुतलिक होगा। जी अब आगे चले, फला युकाल, जी लाल शबाबा यऊदो, इसकी कितनी हालतें बनेंगी तरकीब की, दो, ठीक है, एक अलग पूरा जुमला बनाना है या अलग मुराद लफ्ज क्या बनाना है, और पीछे जैसे कहा था ला युकालो हत्ता हो वयुकालो इलैह कहा था ना, ये भी इसी तरह नहीं कहा जाएगा, लाल शबाबा यऊदो, ठीक है, वैसे अलग अलग जुमले की तरकीब कर रही हो तो जुमले की तरकीब भी कर सकते हैं। जी चलें, या ऊदो की कौन सी हालत है, क्यों, ये जुमला बन के माकुल के लिए क्या बनेगा, किसका, शाबाश, गलत हो गया ना, फिर युकालो का यऊदो नहीं नैफर बनेगा, लाल शबाबा यऊदो पूरा बनेगा, मैंने अलग यऊदो पूछा है, यऊदो क्या बनेगा माकुल के लिए, हाँ किसकी, लाला की। हाँ जी अब आगे चले, अलकाफतो को क्यों मरफू पढ़ा आपने, हाँ जी किसकी सिफत है ये, मां की कौन सी हालत है, क्यों, अब आगे चले, फतकुफुहा में हा की कौन सी हालत है, क्यों, किसका, तकुफु का फाइल कौन बनेगा, ये जमीन के मरजे कौन बनेगा। जी चलो कोई बात नहीं, आगे चले, तर्जमा नहीं पढ़ा, नहीं पता चले, आगे चले, इलाहुन वाहिदुन, वाहिदुन को क्यों मरफू पढ़े आपने, किसकी, इलाहुन को क्यों मरफू पढ़ेंगे आप, किसकी, मुब्तदा कौन है, इलाहुकुम को मुब्तदा किस कायदे से बनाया, मारफा कौन है। जी और भी कोई कायदा चल सकता है यहां, मौलाना बोले, और भी यहां कोई कायदा चल सकता है, इलाहुकुम को मुब्तदा बनाया किस कायदे से, नहीं नहीं जमीर कौन सी, ना है, ना है का क्या मतलब हुआ। जी अली भाई आप बोले, और कौन सा कायदा चल सकता है, या बोले सईद, नहीं नहीं हाँ, इन्नमा का कायदा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या कायदा पढ़ा है, भूल गया ना कायदा, आपको नहीं याद है, कायदा पढ़ा था कि क्या, इन्नमा के बाद, जी हाँ। अब आगे चले, आगे आप पढ़े इबारत, मां की यहां कौन सी हालत है, क्यों, ला की कौन सी हालत है, क्यों, किस पर रतब जाएगा। जी अब आगे चले, अगर ये मुब्तदा है तो इसकी खबर कौन बनेगा, हाँ जी ये खबर बनेगी, अच्छा मां बाद के लिए तो खबर बनेगी, मां कबल के लिए खबर बनेगी, मां बाद के लिए क्या बनेगी, ये मौसूस कौन, ऊंची बोले, मां मौसूफ सिर्फ कौन बनेगा, मुशब्बात ने, मां मौसूफ है, अल मुशब्बात सिफत है, दरमियान में फासला आ गया, जबकि वो मौसूफ में फासला नहीं आता, या तो दो फासले आ गए, वो भी आ गई, ला भी आ गया। जी अरे भैया बोले, हाँ ये दोनों मिलके मुब्तदा बनेंगे, जी मौसूफ बनेंगे। जी अब आगे चले, लैसा की कौन सी हालत है, क्यों, जी जर क्यों नहीं पढ़ते, अब आगे चले,
फिर नफी, कल क्या पढ़ा था? नफी। ये 16 किस्मों से कौन सी किस्म है? इसम मुतमक्किन के इराद के रास्ते कितनी किस्में पड़ी हैं? पहली किस्म कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं, सोलहवीं, पंद्रहवीं, चौदहवीं, तेरहवीं, बारहवीं, ग्यारहवीं, दसवीं, नौवीं, आठवीं, सातवीं, छठी, पांचवीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। ये कौन सी है? क्या नाम उसका? मुफरद मुनसरिफ। सही किसको कहते हैं? मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही किसको कहते हैं? अब ये इसका इराब कैसे आएगा? इराबिल हरफा गया, इराबिल हरकत, इराब लफ्सिया गया, इराब तकदीर। तनवीन पढ़ेंगे नहीं? क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये क्या लफ्ज बोलेंगे? बिलैसा फिन नफी नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिन नफ्ये। क्या पढ़ेंगे? इसलिए मैंने आपको कहा था तलफ्फुज़ का जरा ख्याल करें, नफयुन लफ्ज आएगा। इसी तरह नहीं बोल देते हैं, क्या लफ्ज होता है? नहयुन। क्या लफ्ज होता है? नहयुन। नहीं लफ्ज नहीं होता, ठीक है? लफ्जों का ख्याल किया करें। अब आगे चले, अदखूले को क्यों बदरू पढ़े आपने? किस पर तब जाएगा? अनफ्य। जी आप आगे चले, अलखबरे को क्यों बदरू पढ़े आपने? किस पर? अल मुबतदा को क्यों बदरू पढ़े आपने? ये जारम किसके मुतल्लिक होगा? जी सोच के नहीं बोल सकते आप, किसके मुतल्लिक होगा? मस्तर के। अब आगे चले, अल इस्म को क्यों मंसूब पढ़ा आपने? किसका? तरफाने का फाइल कौन बनेगा? ये जुमला बन के माकूल के लिए क्या बनेगा? किसकी? अन्नौ सालिस। जी जवाब ठीक है भी गलत? हाँ जी ठीक है। कासिम भैया बोले, जी आप बोले किसकी खबर बनेगा? अन्नौ सालिस की। जी पीछे कैसे? हाँ जी पीछे तो ऐसे नहीं है, मिसी इबारत आइए तो दिखा दे मुझे कहा। जी आप बोले माला की। ये किसकी खबर बनेगा? माला की खबर बनेगा। किसकी बनेगा? हाँ जी मा और ला ये लैसा के मुशाबे है नफी में और मुबतदा खबर पर दाखिल होने में। मा और ला रफा देते हैं इसम को, मा और ला नसब देते हैं खबर को। अब आगे मतलब समझ में? तो जी चले, बता दो खुलो माँ में माँ की कौन सी हालत है? क्यों? किसका फाइल है? माँ हरफ है, हर फाइल नहीं बन सकता, फाइल ही सब होता है। जी आप अब आगे चले, नकराते नहीं तो क्या लफ्ज होता है? हाँ अन नकराते की कौन सी हालत है? क्यों? जी अब आगे भरत पढ़े, कायमन को क्यों मंसूब पढ़े आपने? जी हरूफ मुशब्बा बफिल या कौन? देख ले बार बार लफ्ज गलत बोलते हैं आप। जी फिर दोबारा बोले, कायमन किसकी खबर बनेगा? ला ये ला इसकी कौन सी बनेगी? क्यों? किसका? जी अब आगे चले, ला अला नकराते इबारा छोड़ दी दरमियान से, इल्ला किसने पढ़ना है? मुझे नहीं समझ आई, फिर दोबारा बोले, ला राजुलुन जरीफन में जरीफन को क्यों मंसूब पड़ा है? किसकी? राजुलुन को क्यों मंसूब पड़ा है? अभी भी मुताला आपका कमजोर है। मैंने आपको कहा था इजरा तफसील से करें अच्छे तरीके से, अब थोड़ा सा पहली नौ का तर्जमा मैंने पढ़ लिया ना, अब जब आप आगे मुताला करेंगे पहले इबारत का और उसके साथ साथ अब तर्जमा भी करना है, क्योंकि नाहवियों का कानून यह है अत तरकीब तहतल माना, अल माना तहत तरकीब।
तरकीब माने के बगैर समझ में नहीं आती और माना तरकीब के बगैर, जब माना करेंगे फिर पता चल जाएगा यहाँ मुब्तदा। जी आगे आप बस सारे बात पढ़े, सारे जल्दी बोले। जी तरकीब करें आगे अली भाई। ठीक है, आप कर ले गया तरकीब करें, जल्दी बोले। कल मैंने हाशिया भी पढ़ के बताया था, फिर भी जी आप करें तरकीब। हाँ जी शबाब नहीं आएगा, अलिफ लाम भी है। ये जुमला फेलिया खबरी है, ये इंशाया लाल शबाब वाला, ये यहूद। अच्छा यहूद है। मुराद ए लफ्ज़ नायब फ़ाइल, मुराद ए लफ्ज़ नायब फ़ाइल, फ़ाइल मौजूद अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ाइल खबर हो गया। फा तकीबिया लाल काल फ़ाइल मजहूल लाल शबाब यहूद मुराद ए लफ्ज़ नायब फ़ाइल, फ़ाइल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ाइल खबर हो गया। जी अब तरकीब हो जाएगी। ठीक, अतरजी मुब्तदा मखसूसन खबर सीगे इसमे मफूल बा जारा अल मुमकिनाते जार अपने मजरूर से मिलकर मुतल्लिक हुआ मखसूसन के, मखसूसन सीगा इसमे फ़ाइल होवा जमीर नायब फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर शिवा जुमला होकर खबर होगी मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। फा ताकीबिया ला युकालु फ़ेले मजहूल लाल शबाबा यऊदो पूरा जुमला मुराद लफ्ज़ नायब फ़ाइल, फ़ेल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। आगे चले तदखुल, आगे आप करें बरत तरकीब। माँ इसका इसम कहाँ से आ गया? आपने कितने नागे किए, अब देखिए ना सबक नहीं आता। मौसूफ अपने सिर्फ से मिलकर फाइल अला जरा जमी मजरूम जफाज में मजाफ ला मजाफर मजाफ ला से मिलकर मजरूर जान मजरूर मिलकर मुतलक तदखुल फेल के तदखुल फेल अपने फाइल और मुतलक से मिलकर जुमला फेल खबर हुआ। जी वाओ आतिफा या वाओ या तदखुल फेल मा फाइल मौसूफ, यहां मा से मुराद अल मुराद होगा, वगैरह हर फाइल मौसूफ। अल काफतु मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर अला जारा जमीए मजरूर मुजाफ हाजमीर मुजाफिल मुजाफ अपने मुजाफिल से मिलकर मजरूर जार अपने मजरूर से मिलकर मुतल्लिक हुआ फेल के, फेल अपने फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेल या खबरिया। हम चले ना ना बस उसको जुमले को पूरा करें। जी फा आतिफा तकुफो फेल आगे फाइल कौन बनेगा इसका? हे यज़मीर शाबा, हे यज़मीर फाइल हाज़मीर अन जारा अल अमले जार मुझे मिलकर मुतल्लिक हुआ तकुफ फेल के, फेल अपने फाइल मफूले भी और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेल खबरी होकर मातूफ, मातूफ अपने मातूफ से मिलकर जुमला मातूफ हुआ। जी अब आगे का कौल ही ये काफ मिसरी है ना, जब जब भी जहां काफ मिसरी आएगा उससे पहले मुब्तदा मिसाल हो मुकद्दर निकालेंगे, ठीक है, या मसल तो फिर मुकद्दर निकाल सकते हैं, इसको उसका मफूल बना देते हैं, ठीक है। जी चले आप तरकीब करें। काफ मिसलिया जारा, काफ मिसलिया जारा कौली मजरूर मुजाफ इज़ मिन इसका मुजाफिला फाइल जुलहाल ताला फेल हुज़ मिन इसका फाइल
फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेल खबरी होकर हाल जुलहाल अपने हाल के साथ मिलकर मुजाफिला है, मुजाफ अपने मुजाफिला के साथ मिलकर कौल। इन्नमा कलिमा हसर इलाहु मुब्तदा मुजाफ कुम ज़मीर इसका मुजाफिला, मुजाफ अपने मुजाफिला के साथ मिलकर मुब्तदा। इलाहुल खबर मौसूफ वाहिदुन सिफत मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इसमें खबरी होकर मातूफ अलैह। जी आगे आप चले शाह जी। और बफूल भी से मिलकर मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मुजाफिल है, मुजाफ अपने फिर किसका मुजाफिल है? मुजाफिल मिसाल हो तो एक निकाल लेना, दो कैसे निकाल लिए? मिसाल तो छोड़ दे, फिर मिसाल हो निकाले बस। मिसाल हो मुब्तदा बन जाएगा, ककोली साबितुन के मुतालिक होकर खबर बन जाएगी, या दूसरे नंबर पे इसकी तरकीब यूं भी कर सकते हैं, काफ बमाना मिसल मुजाफ, काफ बमाना काफ मिसरी है ना, जैसे मिन बमाना बाज के मुजाफ किया था कि नहीं किया था, इसी तरह काफ जब मिसरी आ जाए तो फिर क्या कहेंगे, काफ जारा भी कह सकते हैं और काफ। अच्छा अब आगे भी अक्सर ऐसा होता है कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद व अन्नमा ज़ैदु मुंतलिकुन, या इब्तदाए कलाम में आप कहेंगे अल्लाह कैसे पढ़ेंगे, चूंकि ये एक इन्ना की मिसाल है और एक अन्ना की मिसाल है, आगे बात समझ में, तो इबारत का एतबार नहीं है, मिसाल देने थी इसलिए बोल दिया है। तो अब अक्सर मातूफ़ मिला किसको मकूला बना देते हैं, तो ये भी तकरीबन ठीक नहीं बनता, क्यों? इसलिए कि कौल ही ताला इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये तो है अल्लाह ताला की कलाम है, ये तो कौल का मकूला बन जाएगा चूंकि अल्लाह की कलाम है, वअन्नमा ज़ैदु मुंतलिकुन जो है ये अल्लाह ताला की कलाम नहीं है, इसलिए सिर्फ तरकीब के लिए मिला देते हैं, वगरना वअन्नमा ज़ैदु मुंतलिकुन ये इबारत अलग कर दे। आगे बात समझिए, पता चल जाएगा जी। अब आगे चले जाए। مصدر على حرف جار المبتدا مجرور معطوف عليه وهو عطف الخبر معطوف معطوف اپنے معطوف عليه اپنے معطوف کے ساتھ مل کر مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا دخول مصدر کے مصدر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر معطوف معطوف عليه اپنے معطوف کے ساتھ مل کر مجرور و جار کا جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا المشبہتان صيغه اسم مفعول کے المشبہتان صيغه اسم مفعول مال ضمیر اپنے نائب فاعل اور متعلقین کے ساتھ مل کر شبہ جملہ اسمی خبری ہو کر صرف موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مبتدا ترفعان فعل بفاعل الاسم مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف علی واو عطف تنصیبان فعل بفاعل الخبر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف معطوف علی اپنے معطوف کے ساتھ مل کر خبر ہوئی مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر پھر خبر ہوئی انہ صالح اپنے خبر کے ساتھ مبتدا انہ صالح کی نہیں بھیا ماں اور لا کی بنا ماں اور لا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ دونوں خبروں کے ساتھ مل کر خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر پھر خبر ہوئی انہ صالح کی پھر خبر ہوئی انہ صالح کی انو مبتدا موصوف فصالح صفت موصوف صفت مل کے مبتدا ما مبتدا معطوف علیہ بہو عاطفہ لا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر موصوف المشبہتان صفت سیگا با جارا لیسا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا المشبہتان کے فی جارا النفی مجرور معطوف علیہ وہ عطفہ الدخول معطوف علا جارا المبتدا مجرور جی معطوف علیہ بو عطفہ الخبر معطوف ٹھیک ہے علا جارا المبتدا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا دخول مصدر کے الدخول مصدر اپنے معطوف اور متعلق سے مل کر پھر اس کا عطف کیا النفی پر ٹھیک ہے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا المشبہتان کے سمجھ آ گئی المشبہتان آگے کیا ہے
होकर सिफत मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुबतदा तरफ़ाने फेल बा फाइल अल इस्मा फेल अपने फाइल मफूल भी इसे मिलकर जुमला फेली खबरी होकर बहु आतिफा तनसिबाने फेल अपने फाइल से अल खबरा फेल अपने फाइल मफूल भी इसे मिलकर जुमला फेली होकर मातू मातूफ अपने मातूफ से मिलकर खबर मुबतदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरी होकर फिर खबर हुई मुबतदा की आ जाएगी तरकीब आगे आप चले भाई बता दो नहीं वो इस्तिनाफिया शाबाश आगे आ जाएगी तरकीब वाओ आतिफा या वाओ इस्तिनाफिया तदखुलो फेल मा मुराद लफ्ज़ फाइल अला जारा अल मारिफत मजरूर मातूफ अलैह वाओ आतिफा अन नाकिराते मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर मजरूर जार मिलकर मुतल्लिक किसके करेंगे तदखुलो फेल फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेली खबरी होकर वाओ आतिफा ला तदखुलो फेल ला मुराद लफ्ज़ इल्ला इस्तिसनाया हाँ जी अला जारा अन नाकिराते जार मुझे मिलकर किसके मुतल्लिक करेंगे ला तद फेल अपने फाइल मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेल ये खबरी होकर मातूफ मातूफ अपने मातूफ से मिलकर जुमला मातूफ है ठीक है अब आगे चलें जी आगे चलें शाह जी माँ ला किथे आ गई ला किथे भी जी आगे आप चले जी अब तरकीब आ जाएगी समझ में तरकीब इजरा में से कोई बात ना समझ आई कोई सवाल देने में तो पूछ ले आप जी समझ नहीं आई आपने खबर बनाई किस तो मुबतदा बनाया मा ला को जी जी तो इधर तो फिर हमने इसको खबर बनाया था पीछे हमने उस आने तक तो ये आप बताएं ना कायदा अब आपने बताना है मैंने बताना है जी बोले मा और ला अल मुशब्बता ने यहां ये बतौरे अलम इस्तेमाल हुए ये बतौरे अलम इस्तेमाल हुए हैं मारफ हैं जी चले आ जाएगा जी अल्लाह आपका भला करे रहमत मोनस है आसिर सरदारी नहीं मानता पूरे मुल्क की बीमारी है मस्तर जो होती है ला युजक्कर वला युअन्नस कैदा पड़ा हुआ नहीं है मस्तर ला युजक्कर वला जी हाँ पूछे पूछे जी जी किसको नहीं नहीं बना सकते वही बार फिक बाजार में नहीं है वो तो पीछे ताबे है ना हाँ जी उसका ताल्लुक माकबल के साथ है ताबे है जी आ जाएगा कुरान पाक में अन्नमा तीन नमाज है अन्नमा फिर अन्नमा दोनों तरह नहीं जो इलाह हुक्मा है वो वहाँ अन्नमा इलाह जैसे कुरान पाक में ऐत है वैसे अगर पहले कुरान पाक में अन्नमा है तो फिर दूसरा वाला इन्नमा की मिसाल बना ले ठीक है हाँ जी पढ़े कहाँ ऐत आती खत्म शी छाड़ खत्म पीछे पै गई कमाल
नहीं नहीं ये आयत पढ़े ना, ये आयत जहाँ ये लफ्ज हो आता नमा, ठीक है। और इनमा कहाँ आता है? कहाँ? दूसरे पारे में तो वह इलाह हुक्म इलाह वाहिद है, वहीं नमा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें ठीक है। हाँ जी, वो ऐत जैसे ऐत होती है वो ऐत यही पड़े, ठीक है। हाँ जी जी, बदल का इजरा का एक तो तरीका बताया हुआ है, और दूसरा ये कि बदल के कवैद आगे हिदायत न में आ रहे। अभी चूंकि सारे कैदे नहीं है ना, जितने कैदे पढ़ लिए ये समझ आ जाएगा, जैसे आगे आगे किताबें पढ़ेंगे जो जो कवैद आते जाएंगे फिर पता चल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि अभी कैदे मुकम्मल नहीं ना पड़े अभी। जी, सबक भी आपका कमज़ोर है, सबक कमज़ोर नहीं होना चाहिए। कल आगे अन्ना और राबे पूरी रौ का मुताला करके ना, ठीक है। टाइम थोड़ा है हमारे पास, एक महीना बाकी बस गया। हाँ जी, इसके अंदर मुकम्मल करनी है हमने इंशाल्लाह। चलें शब्द।